केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर बदलाव कर दिए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि पहले ये होता था कि फर्स्ट लोकेशन तक एसपीजी जो सुरक्षा कर्मी है वो साथ होते थे, लेकिन अब पूरी यात्रा तक और जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक साय की तरह साथ रहेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तरफ जो सिक्योरिटी है उसको घटाया जा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की घटा दी, दूसरी तरफ साय की तरह साथ रहेंगे ताकि देश के लोगों को लगे कि सिक्योरिटी की ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन ये सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए, उनके उठने बैठने की खबर, उनके खाने पीने की खबर, सिर्फ इसलिए कि तमाम मालूमात सरकार को चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, एक एक चीज़ की खबर सरकार को चाहिए। क्या यही लोकतंत्र है? यही डेमोक्रेसी है? इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चला करता। आज आप सत्ता में हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सत्ता कभी लोकतंत्र में एक पार्टी के पास नहीं रहती है। जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। जैसा आपने कहा कि एक एक चीज की खबर रखें, तो ये भी कहा गया है कि जो भी यात्रा पहले की गई है उनकी जानकारी दी जाएगी और जो अब यात्रा होनी है उनके पल पल के बारे में बताया जाएगा, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? कांग्रेस को इस पे प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी तो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी विचार करने के बाद। लेकिन इसी बात से पता चलता है कि आप परिवार पे शक कर रहे हैं, आप उनकी एक एक चीज की मालूमात चाहते हैं। आप क्या, जब हमारी सरकार थी इसी तरीके से हमने मोदी साहब के साथ किया था, बीजेपी के नेताओं के साथ किया था, अटल जी के साथ किया था? क्या यूपीए की सरकार ने ये सब कुछ किया था आपके साथ? आप बदले की भावना से ये सारे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं फराह खान, R9 TV दिल्ली।